हेलो गाइस, सभी को राम राम मेरी तरफ से। मेरा नाम अंकित है। मैं आज पाली गांव में आया हूं बाबा जयराम दास के मंदिर में, जहां पे 18 तारीख का मेला है जनवरी में। तो यहां पे मेले की तैयारियां चल रही है। तो यहां पे एक नई चीज़ बनाई गई थी इस साल में, ये जो पक्षी घर बनाया गया था यहाँ पे, 72 फुट इसकी ऊँचाई है, जिसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार पक्षी आराम से रह सकते हैं। और ये बाबा का जोड़ है। तो भाइयों, ये सर्च किया गया था गूगल पे भी, एशिया में कहीं पे भी इससे बड़ा पक्षी घर नहीं है। ये पहला पक्षी घर बनाया गया था यहाँ पे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ गांव पाली, बाबा जयराम दास के मंदिर के प्रांगण में। और बाबा जयराम दास का पार्क दिखाते हैं हम आपको, आइए। रामदास के मंदिर के पीछे ये बड़ा पार्क है। यहाँ पे रोज सुबह से हम लोग टहलने आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। 18 तारीख का मेला है, यहाँ पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का। यहाँ से दूर दूर से टीमें आती हैं, बाघा बॉर्डर से भी टीमें आती हैं, बाघा बॉर्डर से भी ज़्यादा दूर से भी आती हैं टीमें। यहाँ पे पहले से ही एंट्री की जाती है, उसकी भी टाइम रखा जाता है एंट्री का। और ये बाबा की धर्मशाला है, और ये बाबा का मंदिर नया निर्माण हो रहा है। बाबा के मंदिर का अभी चल रहा है, अगले साल तक हो जाएगा इसका निर्माण, फिर हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे बाबा अपनी जो भी कोई भी श्रद्धालु आता है उसकी बाबा मनोकामना पूरी करता है। आप भी आइए, बहुत से लोगों की मनोकामना पूरी हुई है यहाँ पे। और हम आपको एक व्यू दिखाते हैं पक्षी घर का, देखिए कितना शानदार व्यू है। आइए हम आपको स्टेडियम दिखाते हैं। स्टेडियम है यहाँ पे, 4 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया है टोटल। हमारे एरिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, इसे रेस का भी है, हर चीज़ के स्टेडियम है यहाँ पे। और यहाँ पे मैच खेलने आते हैं। इसकी जो एंट्री फीस होती है ग्राउंड की 1100 रुपये होती है, 1100 रुपये में मैच खेल सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे।